हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि घर बैठे अपन बहुत ही सस्ते में आपको लाइट बनानी है, वो भी प्रोफेशनल। जी अपन इस तरह से स्टूडियो लाइट जो कि अपन वीडियो शूट करते तो अपन को मिलेगा बहुत ही एक प्रोफेशनल लुक है। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे मैंने बनाया है इसको घर पे। देख लीजिए, ये लाइट्स हैं जिनको मैंने घर पे बनाया अपने हाथों से। तो यही चीज मैं बताऊंगा कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही है, आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि ये मैंने घर पे बनाई है। तो इन्हीं लाइटों को मैं आपको बताता हूं कि कैसे बहुत सस्ते में, यानी कि आप विश्वास नहीं करोगे, 1000 से 1200 रुपए के बीच में ये लाइट बनके तैयार हो गई है। वहीं पे अगर आप इनको खरीदने जाते हैं तो आप देखेंगे कि अमेज़न पे मैंने लाइट सर्च करी थी तो ये करीबन कहीं पे 6000, कहीं 5000, कहीं पर 12000, कहीं 16000, ये अलग अलग सेट है और लोकल मार्केट में भी आपको बहुत महंगे में मिल रहे हैं। तो वो पैसा मैंने बचा लिया है थोड़ा सा, क्योंकि अभी बचाने का टाइम है तो पैसा बचा लेते हैं, खर्च करने का जब टाइम आएगा तो अपन दिल खोल के खर्च करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये लाइट बनाई है। तो मैं बता देता हूं कि मैं जो वीडियो शूट करता हूं वो इन्हीं लाइट से करता हूं, आपको देखने को मिल रही होगी। देखिए ये लाइट है, लाइट प्रोफेशनल लगेगी आपको बिल्कुल, देख लीजिए ये लाइट है, मैंने कैसे बनाई है, किस तरह से बनाई है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो देखते रहिए टेक एजेंसी YouTube चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करें और ये जो घंटे वाला बटन इसको दबाना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। तो फ्रेंड्स देखिए करना क्या है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ लाइट का इफेक्ट इतना आता है कि देखिए मैं इनको अगर घुमा देता हूं तो मेरी वीडियो कुछ इस तरह से नजर आएगी आपको, लेकिन जैसे मैं लाइट लगाता हूं तो किसी भी वीडियो में आपको कोई भी एंट्रास्ट कलर वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक लाइट से इतना अच्छा कलर आ जाता है कि आपको वीडियो एज इट इज आप डाल सकते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये लाइट जो बनाई है अपन ने, ये किस तरह से बनाई है। तो मैं इसको देखिए, ये लाइट है बिल्कुल, वीडियो थोड़ी सी ऐसी लगेगी क्योंकि एक लाइट मैंने यहाँ पे ले ली है, ये वाली लाइट देख लीजिए बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगी आपको। मैं लाइट दिखा देता हूं, इस तरह की मैंने दो लाइट बनाई है जो कि एक मैंने सामने लगी हुई है और एक पे मैं ये आपको दिखाऊंगा। तो इसकी लाइट की देखिए, आपको देखिए ये पार्ट है एक और एक ये पार्ट है, दो ही पार्ट है जो कि मार्केट से लेने हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखिए बिल्कुल ये प्रोफेशनल लग रही है अभी, लेकिन अगर ये देखेंगे तो ये एक फोटोग्राफर होते हैं वो यूज करते हैं वही चीज है, इसका नाम मैं बताऊंगा बाद में, पहले अपन देखते हैं इसके अंदर देखिए क्या है। इसके अंदर एक एलईडी बल्ब है और ये एक कटोरे टाइप का है। तो ये अपन ने कैसे लिया है, क्या है, वो सब बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दो बाउल नजर आ रहे हैं, ये बाउल वो बाउल है जो कि नाइट में गेम खेलते हैं टेबल वगैरह पे, तो वहां पर रोशनी करने के लिए इसके अंदर बल्ब लगा दिया जाता है। तो ये वही बाउल है जो बल्ब के पीछे रहता है ताकि टेबल पर फोकस के साथ में लाइट आ सके। तो ये दो बाउल आपको ले लेने हैं मार्केट में, इजिली आपको 100 से 150 रुपये में दोनों मिल जाएंगे, यानी कि 50-70 रुपये में मिल जाते हैं। इसके साथ में आपके पास में एक वायर होना चाहिए जितनी लेंथ का आपको चाहिए, और उसके साथ में दो होल्डर होने चाहिए जो इनके अंदर आपको लगाने हैं। तो ये होल्डर इस टाइप के लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि गर्म ना हो, और प्लग होने चाहिए दो, 2 पिन ले लीजिए, 3 पिन ले लीजिए, जैसा भी अटैचमेंट हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पहले वायर इन होल्डर के अंदर लगाना है अपन को, तो ये वायर आप इस तरह से निकाल कर इस होल्डर के अंदर सेट कर लीजिए, ठीक है। होल्डर में लगाने के बाद में ये होल्डर आप इन दोनों बाउल के अंदर जो कटोरे हैं इनके अंदर लगा लीजिए, तो टाइट से फिक्स कर लीजिए ताकि हिले नहीं, इस तरह से फिक्स हो जाएगा। अब बात आती है कि इन बाउल को अपन स्टैंड पर कैसे लगाएं, ये जो स्टैंड है जो फोटो स्टूडियो वाले काम में लेते हैं, तो उसी स्टैंड के अंदर अपन को ये लगाने ताकि एडजस्ट करने में, हाइट में, घुमाने में, सब चीजों में ये काम कर जाएंगे। वरना आप दीवार पे फिक्स करोगे या किसी टेबल पे फिक्स करोगे तो वो ज्यादा मतलब काम तो कर जाएंगे लेकिन वो परमानेंट हो जाएंगे। तो इसलिए ये स्टैंड ले लीजिए, आप मार्केट में जाके लेंगे तो 600 रुपए का मिलेगा एक स्टैंड, लेकिन आप किसी फोटोग्राफर से उसके सेकंड हैंड स्टैंड लेंगे, क्योंकि लोहे का है इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, आप सेकंड हैंड ले लीजिए, आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो ठीक है, तो सेकंड हैंड आपको 500-600 रुपए में दोनों स्टैंड वो दे देगा। तो इस तरह से स्टैंड लेकर आपको ये स्टैंड ले लेंगे, लेकिन ये स्टैंड इसमें लगेगा कैसे, तो उसके लिए आपको क्या, ये दो एल टाइप के दिख रहे हैं आपको, ये दो जुगाड़, ये जुगाड़ आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सैनिटरी की शॉप पे, जहां पर आपको नल फिटिंग वगैरह का सामान मिलता है, तो उस पे जाएंगे आप, तो उससे बोलिए कि डब्ल्यूसी का जो ढक्कन होता है, यानी कि वेस्टर्न लैटरिन का जो डब्ल्यूसी होती है, तो उसके जो ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन के अंदर ये एल टाइप के लगते हैं, तो ये वो दे देगा आपको 20 रुपए में। तो ये दो एल टाइप के उससे ले लीजिए, लेने के बाद में आप इसके अंदर देखिए कैंची से इस तरह से छेद कीजिए, जितना ये आएगा उतना आप छेद करके इसके अंदर ये एल टाइप के दोनों, एक बोल्ट अंदर एक बोल्ट बाहर, इस तरह से इसको टाइट कस देंगे आप, प्लास वगैरह किसी से भी कस लीजिए। इस तरह से कसने के बाद में ये अपना बाउल तैयार हो गया। तार मैंने लगा दिया है, इसके एक मैंने क्लिप लगा दी है इस तरह से, ये सिंपल अटैचमेंट है इसका, ठीक है। ये अपना बल्ब है, बल्ब को मैं इसमें लगा देता हूँ वापस से, एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप चाहे पीली लाइट चाहिए तो पीला बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया, इसके बाद में ये है, ये देखिए आप, ये है ये अटैचमेंट, ये देखेंगे आप तो ये क्या है, इसको फोटोग्राफर जो है इसको चड्डी बोलते हैं लाइट की, ठीक है। ये इस तरह से आता है, मार्केट में मिल जाती है ये,
ठीक है, ये मैं लेके आ गया हूँ, 150 रुपए की दो मिलती है ये, आपको मैं बता देता हूँ। तो इसको अपन देखिए, ये एक कटोरा टाइप में लग रहा है, आपको दिख रहा है, इसके ऊपर अगर अपन इसको पहना देते हैं तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल लाइट लगने लग जाती है। ये इलास्टिक है इसके अंदर, इसी वजह से ये बिल्कुल प्रोफेशनल लगती है, क्योंकि फिट हो जाती है इसके। तो इस तरह से अपन ने इसको फिट कर दिया, ये देखिए बिल्कुल लग रहा है कहीं से कि अपन ने बनाया है इसको, इस तरह से दिख रही है आपको ये, ठीक है। ये था, ये इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें इसको अटैचमेंट करने के लिए इसकी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये अटैचमेंट जो है इसको हेड बोलते हैं लाइट का। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये देखिए ये जो लाइट है इसको इसका हेड बोलते हैं लाइट का, ये अपन वहाँ यूज करते हैं इसको, ठीक है, अपनी लाइट छतरी वगैरह जो भी है उनका वो अटैचमेंट लगाने की। ये जो स्टैंड है, अब ये अटैचमेंट आ गया इसके अंदर, अब हेड को अपन लॉक कर देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए क्योंकि ये हेड से है ना घूमता भी है, ठीक है। इसके बाद में ये आ जाता है, अब इसको अपन खोल लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में करना क्या है अपन को, देखिए ये था, तो इसके अंदर क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक उनके लिए जो फोटोग्राफर होते हैं वो यहाँ पर एक छेद है, ये छेद उनको क्या है छतरी लगाने के लिए काम में आता है, जो छतरी लगाते हैं ना इसे व्हाइट कलर की, ताकि वो लाइट का स्पॉट नहीं आए, इसी चक्कर में। तो आपको देखिए ये इसमें डाल देना अपन को, ये ग्राउंड मैंने इसीलिए लिया है तो क्योंकि ये इसमें डालने में आसानी रहेगा, देखिए ये अपन इसमें डाल देंगे, ये इस तरह से मैंने ये डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, अभी हिल रहा है तो ये यहाँ पे बोल्ट है एक, आप इस बोल्ट को कस दीजिए इस तरह से, ये मैंने कस दिया। इसके बाद में इसका मोमेंट आप सेट कर दीजिए जहां पे भी आप करना चाहे, उसके बाद में इसको एक और यहाँ पे लो का ही यार इसको ये सेट कर दीजिए। अब देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल लाइट हो गई है, बिल्कुल कोई कह नहीं सकता आपने बनाई है या फिर आप खरीद के लाए हैं। अब मैं दोनों लाइट आपको दिखा देता हूँ, जला के दिखा देता हूँ, और ये अटैचमेंट है ऐसा ही मैंने उसके अंदर अटैचमेंट कर दिया, ठीक है। ये दोनों लाइट आ गई हैं आपको, ये देखिए दूसरी लाइट ये आ जाती है, देखो ये इसको भी मैं बड़ी कर देता हूँ, अब देखिए तो ये मैंने बड़ी कर दी लाइट, ठीक है। ये दोनों लाइट आ गई हैं, आप देख लीजिए सामने, ये इस तरह से इस, ये देखिए काफ़ी अच्छी रोशनी आती है इनकी, ये देखिए स्पॉट नहीं मारती है, ये फैल के रोशनी देता है इस तरह से, देखिए। अब इसको हाइट के अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए, जैसी आपकी हाइट है वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। ये जो है इसकी हाइट अगर आप देखें तो इसकी हाइट कितनी हो जाती है ये आप विश्वास नहीं करोगे इसकी हाइट के बारे में देख करके, इसकी हाइट कितनी हो जाती है देखिए। अभी करीबन ये देखिए हाइट अगर इसकी देखिए तो करीबन 5 फीट के करीबन है, इसकी और भी हाइट जाती है, अभी आप विश्वास नहीं करोगे कितनी हाइट जाएगी इसकी। हाइट इतनी जाती है कि आप ऊपर से भी वीडियो बना सकते हैं, और भी इसकी हाइट जाएगी देखिए, इसकी हाइट है वो मैं आपको थोड़ा सा, मैं नहीं आ पाऊंगा वीडियो में क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो देखिए कितनी हाइट जाती है, आप विश्वास नहीं करोगे। ये फर्श है, फर्श से देखिए बिल्कुल छत पे गया, ये देख लीजिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, अगर मेरी फोटो आ जाए तो देखिए ये बिल्कुल छत पे गया है, ये देख लीजिए बिल्कुल छत की हाइट पे गया है ये। इसीलिए मैंने ये फोटोग्राफर के स्टैंड यूज किए हैं अपनी लाइट के अंदर, क्योंकि अपन को देना है प्रोफेशनल लुक, कोई कह नहीं सकता कि आपने जुगाड़ किया है, देख लीजिए इतनी बड़ी हाइट है, बिल्कुल छत पे अड़ गया है ये, आपको देखने को मिल रहा है। इन लाइट्स को आप जैसे मर्जी सेट कर लीजिए, लाइट प्रोफेशनल लगता है इस तरह से, आप मैं वीडियो बनाता हूँ इस तरह से, तो इनको पीछे रखता हूँ थोड़ी सी ताकि रोशनी फैल के आती है, सामने मेरे ट्राइपॉड स्टैंड पर मोबाइल होता है और ये लाइट दोनों इस तरह से लगा देता हूँ, तो इस तरह से वीडियो आ जाती है। अब ये पास में है इसलिए थोड़ा सा फेस फेस पे आ रहा है, अगर इसको आप दूर कर दो तो इस तरह से आएगा। तो ये लाइट स्टैंड आपको दिख रहा है, ये काफी अच्छा लग रहा है, लाइट प्रोफेशनल, ये इधर देख लीजिए आप बिल्कुल। और ये जो प्रोफेशनल स्टैंड लिया अपना, इसका बेनिफिट यही है कि आप इसको देखिए लाइट इधर मार लीजिए, जहां मर्जी सेट कर लीजिए आप इसको, नीचे सेट कर लीजिए जहां मर्जी, आपको जिधर सेट करना है उधर कर लीजिए, प्रोफेशनल बिल्कुल प्रोफेशनल, देखिए आ रहा है, देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आ रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्टूडियो में ओके और वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यही लुक आप ले सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप भी बना सकते हैं। और जयपुर में रहते हो तो मैंने ये जयपुर में किया है, राजस्थान जयपुर का हूँ मैं, तो जयपुर में मैंने ये जुगाड़ किया है रायसर प्लाजा के, वहाँ से जाके खरीद के लाऊँ। ये बहुत सस्ते और आसान तरीके हैं, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है। कटोरे हैं और ये बोल्ट है और ये स्टैंड है, स्टैंड आप किसी फोटो स्टूडियो वाले से बोल दीजिए, वो आपको सेकंड हैंड दे देगा, जो 200-300 रुपए एक स्टैंड के लेगा, तो दोनों के मिला के मैंने 600 रुपए में लिया। इसी तरह से आप भी कोई जुगाड़ कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से नए खरीदेंगे तो आपको एक ही 600 रुपए का मिलेगा ये। तो इस तरह से आपका बजट 2000 पहुंच जाएगा, मेरा बजट 1200-1300 में सेट हो गया है, तो यही चीज आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भाई आपका यूट्यूबर दूसरा चैनल है तो उसको भी सब्सक्राइब करना प्लीज, और उसको भी लाइक करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, आज का जुगाड़ इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।